नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है शर्मा जी इंजीनियरिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिहार पॉलिटेक्निक के प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम समय में आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको जो है कुछ क्राइटेरियो का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बदौलत आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ निकल के आती है वो है हमारा सिलेबस। तो एग्ज़ाम में जो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो आपका क्राइटेरिया है एग्ज़ाम, वो आपका जो फॉर्म है वो फरवरी के महीने में यानी फरवरी के महीने में फिलअप होता है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा। तो फॉर्म का जो डेट है अभी कोई प्रकार का जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। तो जैसे ही कुछ ऐसे जो है नोटिफिकेशंस आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस मामले में कि कब नोटिफिकेशन आया है और कब से फॉर्म भराना शुरू हुआ है। आइए मुद्दे की बात करते हैं, किस प्रकार से आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज जो है अभी जो जनवरी का महीना है तो अभी जो है एग्ज़ाम में आने में करीब करीब 5 से 6 महीना बाकी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो जून के लास्ट में होता है, लास्ट जो है ना वीक उसमें होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, तो कितने नंबर का प्रश्न पूछता है, कितने प्रश्न होते हैं और यह किस किस विषय से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि किस किस विषय से प्रश्न आते हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक के प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 3 ऐसे विषय देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो है इंजीनियरिंग का लाइन है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सिलेबस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित जैसे सिलेबस आपको देखने को मिलता है। ये सब्जेक्ट की बात हो गई कि ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन चैप्टर्स हो सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो इसका जो फुल्ली जो डिटेल वीडियो है मैंने पिछले साल ही बना दिया था, और बार बार एक ही वीडियो को बनाना और चैनल पर अपलोड करना ये गलत बात है, तो मैं ऐसा करूँगा नहीं। उस लिंक जो है ना, उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, फिलहाल उसी चीज़ को मैं दोहराऊंगा और कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, नए नए टिप्स बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट देखें कि किस प्रकार से जो उसका सिलेबस है उसको हम लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे। डाउनलोड के लिए मैं जो हूँ लिंक दे दूंगा कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। वैसे आपको जो है मार्केट में इसके बुक्स आते हैं तैयारी के लिए, तो अलग अलग प्रकाशन के बुक आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे मैं बात करूँ अरिहंत पब्लिकेशन की, चाहे मैं बात करूँ यूनिक पब्लिकेशन की, या बात करें आपको उपकार पब्लिकेशन की, या मैं बात करूँ आपसे उपहार पब्लिकेशन की। तो ये सभी जितने पब्लिकेशन हैं, ये सभी पब्लिकेशन जो है बुक्स को रिलीज़ करते हैं, पब्लिश करते हैं मार्केट में फॉर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इन सभी का जो सिलेबस है, आपको जितना विषय पढ़ने हो आपको सभी बुक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको ओवरऑल बता देना चाहूँगा कि ये जो क्लास टेंथ आप पढ़ते हैं, क्लास टेंथ के बेसिस पर ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं, जो आप फॉर्म भरते हैं तो टेंथ लेवल पर भरते हैं, ठीक है। तो टेंथ यदि आप पास हैं या पेयरिंग हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यदि आप इंटर भी पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओवरऑल सिलेबस क्या होता है। तो ओवरऑल सिलेबस मतलब जितने भी आप क्लास 9th में पढ़े हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, क्लास आप 10th में जितने पढ़े हैं, और थोड़ा बहुत आपको क्लास 11th और 12th का भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि क्लास 9th 10th बेस्ड होते हैं, बट उसका जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस होता है, तो आपको आपके गाइड या गेस पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये हम लोगों ने बात किया सब्जेक्ट की और सिलेबस की। अब बात करते हैं मार्क्स की, कि मार्क्स कितने होते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसमें जो है 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री की बात किया तो केमिस्ट्री में भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ की बात किया तो मैथ में भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलता है। तो टोटल जो प्रश्न है, प्रश्नों की जो संग्रह है वो है 90 प्रश्न, और एक जो प्रश्न है वो आपको 5 नंबर का होता है।
तो कुल मिलाकर के आपको 450 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है वो आपको MCQ मतलब होगा, यानी मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन जो होगा उसके आधार पर आप इसका जो चयन किया जाता है वो इसके आधार पर किया जाता है। लेकिन इसमें जो मार्क्स होता है वो 5 नंबर का होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो अभी हम लोगों ने जाना किस प्रकार से कितने प्रश्न होते हैं और कितने मार्क्स होते हैं एक के लिए और पूरे ओवरऑल टोटल कितना होता है। एग्जामिनेशन से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम लोगों ने बात किया कि किस प्रकार से इसका जो सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले भी बात कर लिया था कि मार्क्स भी कितने होते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो अवधि होता है एग्ज़ाम का वो कितना होता है। एग्ज़ाम अवधि की बात करें तो इसका जो अवधि होता है वो होता है 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि आपको 90 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। एज की बात की जाए तो इसको किसी भी उम्र के छात्र भर सकते हैं, एज की कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन आपको इसमें 10th क्लास क्वालिफाई होना एकदम ज़रूरी है कि आप 10th क्लास क्वालिफाई हों तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा में पास हो सकते हैं, जिससे मैं आपको बताया कि किस प्रकार से इसका जो प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है और जो प्रश्न जो होते हैं किस किस विषय से पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। यदि आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो, इस चैनल पर आपको उससे संबंधित कुछ वीडियोस आएंगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक के प्रतियोगिता परीक्षा ने की एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपना जो रैंक है वो बहुत ऊंचा ऊपर ला सकते हैं, जिसमें आपको अपने मुताबिक ब्रांच यानी कि सेलेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।